ओम धन्वंतरय नमः। आज हम बात करेंगे कि वैदिक स्टाइल ऑफ डाइट क्या है, हमको स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए आयुर्वेद में आहार के विधि विधान के बारे में क्या वर्णन आता है, कैसे हमको भोजन करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह पाए। सबसे पहली बात तो ये है, आहार को महाभैषज आख्या दिया गया है आयुर्वेद में, श्रेष्ठ औषधि है ये। आयुर्वेद में जो त्रय उपस्तंभ की वर्णन आता है उसमें सबसे पहला स्थान पर है आहार, यानी हमको सबसे ज्यादा अगर किसी कर्म के ऊपर, किसी दैनंदिन कर्म के ऊपर ज्यादा हमको प्राधान्य देना चाहिए वो है हमारा आहार का विधि विधान। तो ऐसे हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं जिसके वजह से आज की दुनिया में जितना मेडिसिन स्टोर है, जितने हॉस्पिटल है, जितने डॉक्टर से, उससे कई गुना ज्यादा रोगी विद्यमान है। उसका कारण है विधि रहित आहार सेवन। जैसे आहार अगर उचित मात्रा में उचित समय पर हम लेते हैं तो हमारा मन और शरीर सुस्थ रहता है, ऐसे ही अगर आहार का नियम को हम पालन नहीं करते हैं तो ये हमारे शरीर में नाना प्रकार के असाध्य कष्टसाध्य व्याधि उत्पन्न करता है। इनफैक्ट आयुर्वेद में दो अन्नकाल का वर्णन आता है, दो ही बार हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए और जिसमें कि हम सीरियल्स पल्सेस आदि का यूज करना चाहिए। इवन आयुर्वेद में ये भी कहा गया कि सुख परिणाम कराणाम श्रेष्ठ है एककाल भोजन। इसीलिए शायद हमारे भारत में साधु संत लोग जो है, तपस्वी लोग हैं, साधना करने वाले लोग हैं, वो लोग एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं ताकि उन लोगों का जो भोजन का पाचन क्रिया है वो सम्यक रूप में हो पाए। लेकिन आज के समय पर हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण करने के चक्कर में हमने दो अन्नकाल के जगह पे चार अन्नकाल कर दिए हैं। हमने ब्रेकफास्ट के जगह पर पराठा, तरह तरह के पराठा और वो भी दही के साथ, चटनी के साथ। फिर हम 2 बजे लंच कर रहे हैं, फिर हम 5-6 बजे हम स्नैक्स के रूप में लेते हैं समोसा, कचौड़ी, बिस्किट्स, चाय, जो कि संपूर्ण विरुद्ध माना गया और अत्यंत गुरु भोजन है ये। और फिर रात को 10 बजे, 11 बजे से लेकर 12-1 बजे तक लोग डिनर का टाइम मानते हैं आज के समय पे। तो वेदों में बताया गया कि 2 बार हमको अन्न ग्रहण करना चाहिए और बाकी समय में अगर हमको भोजन, हमको भूख लगती है तो उस समय हमको फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दिस फ्रूट्स आर द नेचुरल इक्वलाइजर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो भी दोष वैषम्य हो रहा है तो उसमें साम्यता लाने के लिए ही ये सीजनल फ्रूट्स होते हैं। प्रकृति ने हमको दे रखा है पर हम उसको सेवन ना करके हम कचौड़ी, समोसा, बिस्किट, चाय, पराठा, दही का सेवन करेंगे तो इसी वजह से ही ये डॉक्टर के संख्या के कंपैरिजन में रोगियों का संख्या अत्यधिक बढ़ रहा है। इसलिए जो सबसे पहला कदम होना चाहिए एक स्वस्थ समाज की तरफ वो है आहार के विधि विधान में परिवर्तन, यानी फिर से हम वापस चलते हैं हमारे वैदिक आहार विधि में। वैदिक आहार विधि के अनुसार ही भोजन करेंगे, समय पर भोजन करेंगे, उपयुक्त भोजन करेंगे ताकि हम भी स्वस्थ रहें और समाज भी स्वस्थ रहे।